चलिए आज हम एक नया नाश्ता बनाते हैं जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। मुझे तो बहुत पसंद आया है और आपको आएगा कि नहीं ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। इसे आप हरी धनिया की चटनी के साथ में या केचप के साथ में या फिर दही के साथ में सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। ये देखिए, इसको आप फरे भी बोलते हैं और इसको पीठा भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो ये हमने चावल के फरे बनाए हैं। तो ये हमने एक मटर ली है, ये एक कटोरी मटर मिक्सर जार में डालेंगे। 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 4-5 हरी मिर्च ली हैं और स्वाद के हिसाब से नमक ले लिया है और 1/2 चम्मच जीरा लिया है, खड़ा जीरा। इन सबको हम पीस लेंगे, एक दरदरा सा पेस्ट बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए, हमारा मटर का पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। इसे एक साइड रखेंगे और अब हमने गैस ऑन की है। एक बर्तन में 1 कप पानी लिया है और थोड़ा सा नमक लिया है, 1 चम्मच ऑयल डाल के उसको गुनगुना करेंगे। और 1 कप हमने चावल का आटा लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम आटे को गूंद लेंगे। जितना पानी इसमें ज़रूरत हो उतना ही लें, थोड़ा थोड़ा डाल के गूंदेंगे। तो ये देखिए, हमारा आटे का जो डो है बन के तैयार हो चुका है। चावल का आटा है, ये देखिए एकदम रेडी है। और एक ये हमने प्लेट ली है, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसकी ग्रीसिंग कर लेंगे इस तरीके से। आपके पास कोई जाली हो तो वो जाली ले लें। और इसके बाद में जी थोड़ा सा हम आटे का डो ले लेंगे हाथ में, इस तरीके से फैलाएंगे, थोड़ी सी छोटी सी पूड़ी टाइप की बनाएंगे इस तरीके से। और इसके बीच में मटर का जो हमने डो बनाया है उसे 1 चम्मच रखेंगे और इस तरीके से हम मोड़ देंगे। ये देखिए, ये हमारा फरा बन के तैयार हो चुका है। इसको जो हमने ग्रीसिंग करके रखी है प्लेट, उसी में रख देंगे। इस तरीके से सारे डोसे हम फरे बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे सारे फरे बनकर रेडी हो चुके हैं और अब हम इनको स्टीम करेंगे। तो स्टीम के लिए मैंने पहले से ही 1 गिलास पानी डाल के रख दिया था। तो पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, उसी में हम प्लेट को रख देंगे, एक स्टैंड रख के, और ऊपर से इसको ढक देंगे। कुछ ऐसा बर्तन ले लें जो ऊपर से अच्छे से कवर हो जाए। तो इस तरीके से ढक देंगे हम, लगभग 15-20 मिनट की स्टीम देंगे। तो ये देखिए, हमारे फरे हैं स्टीम हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसके बाद में थोड़ा ठंडा करेंगे। अब हम फिर से गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई रखेंगे, और कढ़ाई गर्म होने के बाद में उसमें हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। हमने 1 बड़ी चम्मच ऑयल लिया है, अंदाज से जितना हमारा फरा है उतने उसी हिसाब से हमने ले लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद में हमने 1 चम्मच राई डाला है, आप सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। और राई को चटकने के बाद में हमने ये 2 से 3 हरी मिर्च बीच से कट करके ले ली हैं और सबको मिक्स करेंगे। हमारी राई अच्छे से जब चटक जाएगी तो हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, या फिर आप लाल मिर्च को कूट कर ले लें, अपने स्वाद के हिसाब से ले लें। हमने 1/2 चम्मच ली है और इसके बाद में हम इसमें जो हमने फरे बना के रखे हैं उन्हें हम डालेंगे इस तरीके से। और डालने के बाद में मिक्स करेंगे। ये देखिए, एकदम देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और ऊपर से हम थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे और इसके बाद में फिर से हम मिक्स करेंगे। और जब मिक्स करें तो गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। तो ये देखिए, हमारे चावल के फरे हैं जो बनके तैयार हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। और आप भी एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें। हरी धनिया की चटनी हो, चाहे दही हो या फिर केचप हो, उसके साथ में आप सर्व करेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे और पेट भर जाने वाला नाश्ता है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें।